सबसे पहले हाय वेलकम बैक दोस्तों क्या सर, दो दो टाइम वेलकम। हाँ बेटा, न्यूमेरिकल भी बड़ा है, सोचा वेलकम भी दो टाइम कर दो। क्या न्यूमेरिकल बड़ा है? तब तक हमने जो एफई के न्यूमेरिकल किए थे, तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? तो बिफोर मूविंग इनटू द सेशन, मैं आपको एक छोटा सा समरी बताना चाहूंगा पोल्यूशन का। पहला समरी समझ के लो 1 मिनट में, फिर आगे का न्यूमेरिकल आराम से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो न्यूमेरिकल दिख रहा है, ये न्यूमेरिकल में आज दोनों एंड फिक्स्ड है, दोनों एंड फिक्स्ड है। समन में एक लड्डू फूटता है, कंसेप्ट समझ में आता है। जब भी एंड फिक्स्ड है, वहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। वेरी गुड सर। सर, आज बीच में अगर आप देखेंगे तो तीन अलग अलग मटेरियल हमें दिए हुए है। एक एल्यूमिनियम है, दूसरा ब्रास है, तीसरा स्टील है, और हर एक का यंग्स मॉड्यूलस का वैल्यू भी दिया हुआ है। इससे क्या समझ में आएगा? तो इससे हमें समझ में आएगा तीन एलिमेंट है। तो चलो भाई, समझ फास्ट करते हैं। फर्स्ट, सबसे पहला कंडीशन, फिक्स बीम, बोथ एंड्स आर फिक्स। सेकंड पार्ट, तीन एलिमेंट। तीन एलिमेंट मतलब कितने यू? तीन यू। कितने पी? तीन पी। कितने सिग्मा? तीन सिग्मा। एंड दोस्तों, आज जो मैं आपसे पूछूंगा, कितने नोड? आंसर आएगा चार। तो चार नोड, ऊपर भी चार, नीचे भी चार, मतलब जो जीएमई बनेगा वो कंपल्सरी क्या बनेगा? 4x4 बनेगा। एंड हम सभी को पता है, तो जो मोमेंट, ध्यान से सुनिए द लास्ट लाइन ऑफ समरी, जो मोमेंट मैं लिखता हूँ U1 जीरो है, जो मोमेंट मैं लिखता हूँ U4 जीरो है, मैं प्यार से हंसता हूँ, बच्चा कहता है उसको जाके, पहला रो जीरो है, पहला कॉलम जीरो है, फोर्थ रो जीरो है, फोर्थ कॉलम जीरो है, बीच का जो मिलेगा 2x2 उसे उठा के सर प्यार से काम करना है। इज दैट क्लियर? तो दोस्तों, ये था समरी, ये सॉल्यूशन का, ये न्यूमेरिकल का, जो आज आपको कम से कम 8 या 10 मार्क देगा। श्योर? तो अभी चलते हैं उसके डिटेल डिस्क्रिप्शन में, चलेगा? तो चलते हैं। तो सबसे पहले क्या देखा हमने? L1, L2, L3, A1, A2, A3, E1, E2, E3, सारा डाटा ऐसे ही बढ़े। तो दोस्तों, स्टेप स्टार्ट होगा डिस्क्रिटाइजेशन से। क्या टाइटल लिखेंगे हम लोग सोल्यूशन में? डिस्क्रिटाइज मॉडल। एंड डिस्क्रिटाइज मॉडल में हम सभी को उसे बहुत ही प्यार से एलिमेंट फॉर्म में लेके आना है। एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 2, एलिमेंट नंबर 3, एंड दोनों एंड से उसे फिक्स कर दिया। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 2, एलिमेंट नंबर 3, ये भी फिक्स हो गया। तो बेटा, इसको नोड को नंबर दे दिया 1, ये भाई साहब को दे दिया 2, इनको 3, एंड फिर भाई साहब का नाम आएगा 4। एंड सर, अभी यहां से हम लोग एक ही जगह पे दोनों बात करना चाहेंगे। ऊपर आएगा प्राइमरी वेरिएबल, नीचे आएगा सेकेंडरी वेरिएबल। प्राइमरी वेरिएबल फर्स्ट नोड के लिए आएगा U1, यहाँ पे आएगा P1। सो वी नो इट इज फिक्स है, मतलब बाउंड्री कंडीशन क्या मिलेगी? इट इज 0। नोड नंबर 2 पे आएंगे, ये मिलेगा U2, ये मिलेगा P2, ये मिलेगा U3, ये मिलेगा P3। नोड नंबर 4 पे आके लिखेंगे तो ये होगा U4, जिसकी वैल्यू भी है 0। ये है P4, जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से देखते हैं, तो सर यहाँ पे बीच में, मतलब 1, 2 पे उन्होंने एक लोड दिया है, तो P2 का वैल्यू है बड़े बड़े, एंड इट इज 20 × 10⁻³ न्यूटन। तो P3 का भी अवेलेबल है 10 × 10⁻³ न्यूटन, सही है। तो P1 रिक्वायर्ड टू बी फाउंड आउट है, P4 रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड है, U2 ढूंढना है, U3 ढूंढना है। तो सर, ऑब्जर्वेशन से समझ में आया, यहां से चार पैरामीटर्स कैलकुलेट करने हैं, U2, U3, P1, P4। इज दैट क्लियर? तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? K1, K2, K3, K3 तीन एलिमेंट है। चला, वी नो द फॉर्मूला फॉर K। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर K? सर, एक लाइन में बिठा देते, इट इज A E अपॉन L, A1 A1 E1 अपॉन L1, A1
A1 इज 900, E1 इज 70 GPA, तो GPA चलेगा क्या? नहीं, anyone can let me know what is the conversion of one GPA in a Newton per mm square into 10 raised to 3 होता है, it is 70 into 10 raised to 3, it is 105 into 10 raised to 3, it is 200 into 10 raised to 3, सबका यूनिट न्यूटन पर mm square. So it is 900 into 70 into 10 raised to 3, converting data to mm, and answer is 80. This gives us the answer of K1. So we will go K2, E2 upon L2. K2, E2 upon L2. 77.5, 10 the power 3, Newton mm. This is 400 into 105 into 10 raised to 3. The power length is 90. यहाँ से मिलेगा K2, यहाँ से आएगा K. Area is 200 into Quick. 7 into 7. Thank you. Good. Thank you. दोस्तों ने बताया, मैंने लिखा बोर्ड पे, चाहे तो मैं चेक करता हूँ आंसर्स. आई एम गोइंग टू डू इट इन लाइव सेशन, सो नो कॉपी पेस्ट. ये कितना है बेटा? 10 to 3, बाकी 5 में जाएंगे तो भी चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है. बोलो कितने में आएगा? 7.875. तो चेक करो, दैट्स व्हाई मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं लिखने से अच्छा आप लोग कैलकुलेट करेंगे. वेरी गुड. थोड़ा दाम उन्हें सुधर. 7.87 into 10 the power 5. K2. 4.66 into 10 is the power 5. E3 मंजे 200 into 10 the power 3 divided by 70. And answer is 5.7. Very good. 5.71. 10 the power 5. चेक करो सारे दोस्तों, क्या हमने K1, K2, K3 यही फैशन में कैलकुलेट किया हुआ है आप सभी दोस्तों के साथ? एक छोटा सा कनेक्टिविटी टेबल बना देंगे अभी यहाँ पे. क्या कहता है कनेक्टिविटी टेबल जोशी सर? ये एलिमेंट है 1, 2, 3, 4. चेक करो ऐसे हमें आंसर्स आएंगे कि नहीं आएंगे. पक्का दोस्तों? चलिए अंदर आते हैं. 1, 2, 2, 3, 3, 4. ऊपर के लोकल नोड, नीचे के ग्लोबल नोड, एंड फिर डायरेक्ट हम लोग के आईजे लिख देंगे. सर 10 द पावर 5 को बाहर रखते हैं. नंबर 1
आई जे और नंबर टू बेसिकली दो टेन पावर था 4.66 माइनस 4.66 के आई जे ऑफ थर्ड एलिमेंट इन द पावर फाइव 5.71 माइनस 5.71 5.71 माइनस 5.71 5.71। बोला ये सर, तो भाई इतना आ रहा है हम सभी को। के आई से होने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करते बेटा, नंबरिंग करना। याद है सबको नंबर कैसे करना है? यहाँ पे आएगा 1 2 1 2। नेक्स्ट क्या आएगा बेटा? 3 2 3। नेक्स्ट आएगा बेटा, यहाँ पे अलग है, फर्स्ट टाइम आया है, 3 4 3 4। समझ में आया ना? अब इसका नंबर अलग आएगा एंड उसके साथ हम लोग काम करेंगे। अभी हमें के आई जे ग्लोबल लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4। नंबर वन ग्रीन पे आ जाओ, पहला ग्रीन वाला लेंगे। ध्यान से देखो सारे बच्चे, 7.87 माइनस 7.87 माइनस 7.87 7.87। दिस इज 1 2 1 2। इज दैट क्लियर? चेक करो सारे बच्चों को समझ में आ रहा है 1 2 1 2। तो बेटा हम लोग बढ़ेंगे, रिकॉर्डिंग बेटा 2 3 2 3। चेक करो क्या मैं आपकी जरूरतों को कंप्लीट कर पा रहा हूँ। 4.66 माइनस 4.66 माइनस 4.66 दिस इज नंबर 3। 2 3 2 3 पहुंच गए। अभी आगे जाना है, लास्ट वन। नोट दैट लास्ट वन इट गोज टू रेड वन, इट इज 3 4। तो बेटा इसमें आएगा 5.71 माइनस 5.71, दिस इज अ 4 नंबर, दिस इज माइनस 5.71 एंड दिस इज 5.71 एंड इसके बीच में अपने को एडिशन करना है। श्योर? एंड फिर जो बचे हुए नंबर्स है वो आएंगे 0 0। यहाँ पे आएगा, ये आएगा 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे, एंड द फाइनल आंसर विल बी रिटर्न एज 7.87 माइनस 7.87 0 0 माइनस 7.87। टोटल करो 5.3। Use the KLC man, 7.87 plus 12.53. I'm doing it already. Now please KLC use karo. ओके, ये नीचे का आएगा अभी इधर 10.3। वेरी गुड, 5.71 0 0 सही है दोस्तों। ये क्या मिल गया हम सभी को? ये आईजी मिल गया ग्लोबल का। अभी हम लोग जाएंगे जीएमई की। सही बात है, आएगा जीएमई सारे बच्चों को। इट इज सिंपल फॉर्मेट, के आई जे ऑफ ग्लोबल इंटू यू ऑफ ग्लोबल इज इक्वल टू पी ऑफ ग्लोबल। ये ग्लोबल में पहला आएगा, इसके पीछे भाव है ना बेटा, क्या है वो 10 द पावर 5 है ना, तो भूल ना जाना।
10^5 को पहला देखना एंड आंसर इज 7.87 -7.87 0 0 7.87। चलो भाई वीक वीक अभी आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। अभी आएगा U1 का वैल्यू 0, U2 ढूंढने का, U3 ढूंढने का, U4 का वैल्यू 0। राइट हैंड साइड में आ जाओ, P1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, P2 का वैल्यू 20 × 10^3, P3 इज 10 × 10^3, P4 रिक्वायर्ड टू बी 4 × 3। सही पक्का? तो भाई सबसे पहला ब्यूटीफुल का यूज करने का बेटा, नाव का है, लाइन से नाव का है, लाइन में बनना क्या होता है? ग्लोबल कोऑर्डिनेट एंड गॉस एलिमिनेशन मेथड। ये पहला क्यों गया सर? U1 जीरो है, सही बात है, फिर U4 भी जीरो है ना बेटा, तो चौथा भी कैंसिल हो जाएगा, चौथा भी कैंसिल होगा। Are you observing this? This is the most important thing. So please observe karo. U1 0, first row 0, first column 0. U4 0, last row 0, last column 0. Is that clear? Abhi iska use karke kya kar sakte hai? Iska use karke beech ka value dhoond sakte hai. And the equation form mein hame answer milenge. Start karo 12.53 into U2. -4.66 U3, that is equal to 10^3. 1 minute. हाँ तो आपण मागे टाकू 10^5 सगळ्यांना किंवा तिकडे हा ऍडजस्ट करायचा, 1 मिनिट द्या। अभी बहुत टाइम होता क्या है, ये पीछे का 10^5 तो एक तो भूल जाते हैं हम लोग, रह जाता है लेकिन ध्यान में नहीं आता है, तो ये 10^5 हमेशा यहाँ पे लाने का, ये 10^3 कैंसिल होगा एंड बेटा यहाँ पे बचेगा 0.2, बेटा यहाँ पे बचेगा 0.1, ये 5। ये 10^5 देखा ना दोनों का, तो हमने राइट हैंड साइड शिफ्ट किया एंड बेटा ये आंसर मिला। तो यूज ए कैलसी, जहाँ पे राइट हैंड साइड में 0.2 डालेंगे एंड इधर सेकंड इक्वेशन में राइट हैंड साइड में 0.1 पुट करेंगे एंड आंसर ढूंढेंगे। एनीवन द आंसर प्लीज, कम ऑन दोस्तों, यूट्यूब आंसर चाहिए हमें एंड इट्स वेरी स्मॉल वैल्यू व्हाट आई एम हैविंग विथ मी, 0.02345। यस, इसे सॉल्व करने के बाद बेटा वैल्यू मिलेगा यूट्यूब का 0.0234 mm, U3 मिलेगा 0.0201 mm। तो बेटा इस तरीके से हमें U2 का भी आंसर मिलेगा, इस तरीके से U3 का भी आंसर मिलेगा। तो ये दोनों वैल्यू देखिए, हमें इक्वेशन में वापस जाना है एंड F1 एंड F2 को फाइंड आउट करना है। इसे फाइंड आउट करना है अभी F1 एंड F2 या P1 एंड P2 जो भी हम लोग बोलेंगे, P1 एंड P4, फर्स्ट वन एंड लास्ट वन। तो चलो भाई इसके साथ स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान में रखो इसका फायदा क्या होता है, 7.87 × 0, ये क्या बनेगा, 0 बनेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, हाँ, दिस वॉज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस वॉज इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट 7.87 × U2, हा ना, हा हा, ते लाइन मध्ये करत नाही आपल्याला, अभी हमने लाइन मार दिया ना उसके की ऊपर लाइन में, गुड ऑब्जर्वेशन, प्लस माइनस माइनस को, ये दोनों क्या है, 0 है, तो इसका डायरेक्ट आंसर मिलेगा आपको P1। तो बेटा वैल्यू डालो -7.87 0.0234
is P1, anyone P1 का आंसर? माइनस 18.47 इनपुट एंड इस 415 18 पॉइंट टू बी 4 इनटू 10 द पावर 4 माइनस 11 सेम फैशन में ये भी दो जीरो होंगे इट इज माइनस 5.71 U3 इज अ P4 वैसा सब सुनाई देता है सब रिकॉर्ड भी हो रहा है रात को आपका आवाज सुनाई देगा तो अच्छा नहीं लगे कम ऑन मैन एनीवन P4 जी -0.47 रुकने का क्या नहीं सर ने हमेशा क्या बोला बेटा हर टाइम आपको चांस मिलेगा तो स्ट्रेस मांगते हैं तो स्ट्रेस जुड़ने का स्ट्रेस कैसे आएगा फिर सर एक ही बार फॉर्मूला σ1 E1/L1 पहला -1 ना दूसरा +1 आगे आएगा U1 और U2 U1 का वैल्यू 0 U2 का वैल्यू 0.0234 70 वी नो द वैल्यू ऑफ दिस सर आई एम इंटरेस्टेड टू राइट डायरेक्ट आंसर एनीवन डायरेक्ट आंसर प्लीज 20.50 करेक्ट है σ2 E2 U2 का वैल्यू यहीं से मिलेगा U3 का भी वैल्यू यहीं से मिलेगा एंड आंसर इज वेरी गुड 3.83 बोला σ3 -57.7 तो बेटा आप उस आंसर पॉजिटिव लिख के ब्रैकेट में कॉम्प्रेशन सी लिख सकते हैं बोलिए इसमें कोई डाउट डिफिकल्टी समझ में आया सारे बच्चों को पक्का समझ में आ रहा है तो दोस्तों देखिए कितना वंडरफुल न्यूमेरिकल है आज हमने 2 की जगह पे 3 एलिमेंट का तो डिटेल में लिख के बहुत ही अच्छे तरीके से उसे कंप्लीट किया है जो हमें 8 से 10 मार्क्स की तरफ लेके जा रहा है और मैं आप सभी को हमेशा कहता हूँ बेटा बस 3 न्यूमेरिकल परफेक्ट कर 30 मार्क्स आपके 2 मार्क अपने इंटरनल ग्रेड 32 पे बच्चा 100% पास होता है तो और ऐसे अच्छे वीडियोस के साथ आप सभी के साथ मिलते रहेंगे जिस जोशी सर अच्छा लगा है तो याद से दोस्तों को शेयर कीजिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस इंजीनियरिंग थैंक यू